जी ये वीडियो एएमयू की है, उसी एएमयू की जहां से भारत विभाजन की बुनियाद रखी गई। तो क्या पाकिस्तान जाने वाली ट्रेन में कोई सीट नहीं थी कि ये लोग, इनके पूर्वज जा न सके? कि एनसीसी के यूनिफॉर्म पहने हुए तेरा मेरा रिश्ता क्या और कट्टर इस्लामिक दंगाई नारे लगाते हुए ये जिहादी भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर क्या मांग कर रहे हैं? ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भारत सरकार के खर्च पर चलता है, ये माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर गैर इस्लामिक लोगों के लिए कोई सुविधाएं नहीं है। लेकिन अब पसमानदाओं का कहना है कि इस यूनिवर्सिटी में विशेष रूप से अशराफों का कब्जा है, और वो अक्सर कहते हैं कि अशराफ भारतीय मूल के मुसलमानों पर अत्याचार करते हैं, और ये एएमयू जो भारत विभाजन का सेंटर पॉइंट रहा, वो फिर से एक विभाजन की लकीर खींच रहा है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर एएमयू में इस बवाल ने शाहीन साजिश के समय में, सीए के समय में उत्पात की याद दिला दी, जहां से नारा लगा था हिंदुत्व की कब्र खुदेगी एएमयू की धरती से। सुनिए जरा, एएमयू को जब भी अवसर मिलता है तब भी भारत के खिलाफ षड्यंत्र से वो मौका नहीं गंवाता। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में है और वहां पर योगी आदित्यनाथ की सरकार है। कुछ हद तक तो खौफ का माहौल इस लिहाज से हो जाता है, लेकिन बावजूद अंदर का जहर खत्म नहीं होता। जब भारत सरकार ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर बैन किया हुआ है, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इस पर बैन किया हुआ है, इसके बाद भी एएमयू के जहरीले सांपों ने भारत के खिलाफ ऐसा षड्यंत्र किया। ये दिखाता है कि षड्यंत्र नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं, भारत की संप्रभुता के खिलाफ है। दरअसल बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर रोक भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को उस फैसले के आधार पर किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगे के मामले में नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दिया हुआ है। 2002 के इस दंगे में दो दशक से ज़्यादा समय तक षड्यंत्र हुआ, लेकिन 2000 जब कांग्रेस की सरकार थी उसी समय में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई एसआईटी ने तब के गुजरात के मुख्यमंत्री को क्लीन चिट दे दिया। लेकिन पिछले 3 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने उस आखिरी अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें तिस्ता सीतलवारन गैंग ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ डायरेक्ट आरोप लगाए जकिया जाफरी के मार्फत से। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं पर कार्रवाई करने की के निर्देश दिए, तब तिस्ता गिरफ्तार होकर के जेल भी गई। इसके बाद बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बनती है और उस डॉक्यूमेंट्री में वही घिसा पिटा बात है जो 2002 के दौर में था। फर्जी बनर्जी कमेटी बनाने की बात की गई, जिसने कहा कि आग अंदर से लगी, लेकिन अदालत में साबित हुआ कि कैसे गोधरा में हिंदुओं को जलाया गया एक बोगी में। यह साबित हुआ कि एक षड्यंत्र के तहत गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस की बोगियों को जलाया गया ताकि कार सेवकों को जिंदा जलाया जा सके। इसके प्रतिक्रिया में गुजरात में 2-3 शहरों में दंगे हुए जो 3 दिन के अंदर कंट्रोल में कर लिए गए, लेकिन मीडिया ने ऐसा पेश किया कि दंगा मात्र इतिहास में सिर्फ गुजरात में हुए। मोदी के खिलाफ ये साजिश निरंतर जारी रही और बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में कुछ भी नया नहीं है, वही जो 2002 से लेकर 2013 के दौर तक षड्यंत्रकारियों ने झूठी और मक्कारी की खबरें बनाई। आरबी श्रीकुमार और एक आईपीएस ऑफिसर के संजीव भट्ट के आर में ये पूरा खेल खेला गया जो जेल भेजे गए। अब समझ में आता कि इस डॉक्यूमेंट्री की जरूरत क्यों थी और इस डॉक्यूमेंट्री को देखने की जिद एएमयू को क्यों हुई, जेएनयू को क्यों हुई। जेएनयू के साथ
एएमयू और उसके बाद दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया में ये उत्पात बताता है कि भारत के खिलाफ षड्यंत्र का जड़ कहाँ है। अब जरूरत इस बात की को लेकर के है, इसके मूल जड़ में ही मट्ठा डाला जाए और ये काम सिर्फ योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि ऐसे यूनिवर्सिटी को सरकारी मान्यता खत्म की जाए, इनको अल्पसंख्यक मान्यता इनकी रद्द की जाए। भारत किसी ऐसे जहरीले नागों पर खर्च नहीं कर सकता जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र जहां पर हो रहा हो। इसीलिए बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री की आर में भारत की संप्रभुता के साथ खेलने वाले ऐसे विश्वविद्यालय की मान्यता अब रद्द करने का समय आया है और ये काम सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं। एएमयू के नागों पर नकेल कसने की जिम्मेदारी क्या बाबा योगी आदित्यनाथ लेंगे, क्योंकि उन्हीं के ऊपर इतना कुछ भरोसा है कि कुछ क्रांतिकारी कदम सिर्फ वही उठा सकते हैं। तो भविष्य में कभी एएमयू से भारत के खिलाफ षड्यंत्र का ये खेल ना हो, इसके लिए क्या बाबा का बुलडोजर ऐसे षड्यंत्रकारी संस्था पर भी चलेगी? देश इसी की उम्मीद लिए हुए है ताकि भविष्य में कोई फिर इस तरह के जहरीले नारे यूनिवर्सिटी कैंपस से, शिक्षा के मंदिर से, सरस्वती की भूमि से ना लगा सके, कोई ऐसी हिम्मत कर ना सके। बहुत बहुत धन्यवाद।